मीरगंज बरेली। मीरगंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में रोटरी क्लब रोहेलखंड द्वारा ई लर्निंग किट, जिसमें एक स्मार्ट टीवी, इन्वर्टर, बैटरी और फ्री टू ईयर चैनल वाला सेटअप बॉक्स उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना के माध्यम से किया गया। मीरगंज के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में खंड शिक्षा अधिकारी अमन गुप्ता के द्वारा फीता काटकर किट का शुभारंभ किया गया। चार्टर अध्यक्ष संजय रेकरीवाल द्वारा बताया गया कि रोटरी क्लब रोहेलखंड पिछले 20 वर्षों से लगातार प्राथमिक विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराता आया है। उनके क्लब द्वारा कई स्कूलों में टॉयलेट बनवाए गए हैं, साथ ही ग्रामीण ब्लॉक के स्कूलों में प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालय में कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान दिनेश मौर्य, शीतल अमिता, प्रमोद कुमार, रोशन लाल, संजीव कुमार और यूटा ब्लॉक अध्यक्ष रमेश मौर्य आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन राहुल यदुवंशी ने किया। इसके अलावा ब्लॉक फतेहगंज पश्चिमी के विद्यालय अग्रास में खंड शिक्षा अधिकारी प्रियांशी सक्सेना द्वारा फीता काटकर ई लर्निंग किट का शुभारंभ किया गया। पिछले बार भी हम लोगों ने कई सारी जगहों पे अभी टॉयलेट ब्लॉक बनवाए थे और टॉयलेट ब्लॉक के साथ में हम लोगों ने पहले पिछले साल हम लोगों ने प्रोजेक्टर का प्रोजेक्ट किया था कि प्रोजेक्टर्स लगवाए गए थे, उसमें भी ऑन में भी एक प्रोजेक्टर लगा था और कई जगहों पे प्रोजेक्टर लगवाए थे। उसी के तहत अब ये थोड़ा सा प्रोग्राम में हम लोगों ने ई लर्निंग किट, हमारा एक साथी क्लब है जो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड से हम लोगों को मैचिंग ग्रांट मिली। मैचिंग ग्रांट जो होती है उसमें क्या होता है, कुछ पैसा हम लोगों को दूसरे क्लब से मिलता है, विदेश वाले क्लब से, और बाकी पैसा हम लोग अपने क्लब से लगा करके प्रोजेक्ट्स करते हैं बाकी बच्चों के लिए। रोटरी लिटरेसी मिशन में मेनली तीन प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है नेशन बिल्डर अवार्ड, दूसरा एडल्ट लिटरेसी जिसमें प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलते हैं, और तीसरा जो स्कूलों के लिए हम लोग कोई ना कोई हार्डवेयर या जो भी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं वो कराते हैं। उसी के तहत नीदरलैंड के क्लब के साथ मिलकर हमारे क्लब के सदस्यों ने अपने पैसे लगा करके चार स्कूलों को अभी पसंद किया था, जिसमें से अभी ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। इससे पहले फरीदपुर में, बठिया नगला में, फतेहगंज में अगलास में, और वीरगंज में यहाँ रसूलपुर में लगाया जा रहा है, और संडे को ही अभी हम लोगों का सरस्वती शिशु मंदिर बरेली में है, वहाँ पे भी ये चौथी ई लर्निंग किट लगाई जा रही है। इसमें बच्चों को दिखाने के लिए इन्वर्टर साथ में दिया जा रहा है। कई बार ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत रहती है कि लाइट नहीं होती है, इन्वर्टर से आप कभी भी आप अपना स्मार्ट टीवी आप ऑन करके, इसमें यूट्यूब इनबिल्ट है, इससे आप डायरेक्टली बच्चों के सारे कंटेंट इसमें अवेलेबल हैं जो आप उनको करा सकते हैं। पिछले बहुत सालों तक मैं भी फतेहगंज में रहा हूँ, सॉरी मीरगंज में आपके साथ में रह के चुका हूँ, तो यहाँ का नेशन बिल्डर अवार्ड प्रोग्राम जो अभी बीच में रह गया था उसको भी आज यहाँ पे हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। जैसा भी बताया, प्रमोद जी भी हमारे एक कर्मठ शिक्षक हैं और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी हैं, हमारे चार्टर प्रेसिडेंट भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रमोद जी को पहले आज नेशन बिल्डर ई लर्निंग किट एलईडी के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे। एलईडी के माध्यम से बच्चे नए नए एनिमेशन जो कार्टून आते हैं उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, और एक हिसाब से देखा जाए तो यह डिजिटल शिक्षा की युग की शुरुआत है। इससे एक नई क्रांति का संचार होगा, और जो अभी तक हम चार ट्रैक्टर आदि का उपयोग कर रहे थे इससे भी बहुत हद तक जो है इससे निजात मिलेगी, और ये श्रव्य दृश्य का एक बहुत बढ़िया माध्यम है। जितनी अच्छी चीज़ हम देख करके समझ सकते हैं उतना अच्छा हम लिखकर या पढ़कर या सुनकर नहीं समझ सकते, क्योंकि हम देख भी रहे हो कोई चीज़ और सुन भी रहे हो तो अधिक कार्यक्रम काम करता है उसको समझते हुए। तो रोटरी क्लब के बारे में और हम कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम पहले स्कूल में देखकर शिक्षा करी, तो वहाँ पर भी रोटरी क्लब के द्वारा बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य किए, शौचालय काफ़ी शौचालय बनवाए हैं, यहाँ तक कि एक बार रोटरी क्लब के ही एक सदस्य हमसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि हम आपके विद्यालयों में अपने डॉक्टर भेजेंगे, बच्चों का वार्ड परीक्षण कराएंगे, और जो भी कमियां बच्चों में हैं तो उनकी समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विद्यालय का जो कायाकल्प हो रहा है उस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतः रोटरी क्लब को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने इस विद्यालय पर भी ध्यान दिया, मीरगंज भी इस उनके कार्य के लिए गौरवान्वित हुआ। कार्यक्रम यही समाप्त किया जा रहा है, और अभिभावकों से मेरा अनुरोध यही है कि अपने बच्चों को रोजाना विद्यालय जरूर भेजें, क्योंकि नई नई चीज़ें चूँकि आ रही हैं ये आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा रोचक बनाएंगे बच्चों के लिए, और ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आगे बढ़ करके जरूर बनेंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे अगर सरकारी नौकरियों में या अच्छे पदों पर नहीं भी पहुँच पाएंगे तो समाज के और देश के अच्छे कर्णधार के रूप में जरूर ये स्थापित होंगे, और ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों के लिए, इस विद्यालय परिवार के लिए, इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए कि इतना
इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और साथ ही धन्यवाद दूंगा हमारे रोटरी क्लब रॉयल रेडियो के लिए, जिस तरह से ये कई वर्षों से लगातार अच्छे कार्यक्रम हमारे क्षेत्र के विद्यालयों में लेकर के आ रहे हैं। इससे पूर्व में रोटरी क्लब के द्वारा टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए थे, मीरगंज के अधिकांश विद्यालयों में रोटरी क्लब के द्वारा ही बनाए गए सभी टॉयलेट ब्लॉक्स और बहुत अच्छे स्तर पर बनाए गए। इसके अलावा प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई, उस प्रोजेक्टर की व्यवस्था का सबसे अच्छा फायदा ये हुआ कि कोविड काल में उस प्रोजेक्टर के माध्यम से, क्योंकि बच्चों के पास कापी किताब पहले का उस समय एक तरह से प्रतिबंध ही था, जैसे तैसे हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर करके काम चलाया था, ये हमारे जितने भी ई लर्निंग के स्रोत थे जो हमारे रोटरी क्लब द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, उन सारे स्रोत